नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों, ये मैथ का पार्ट नंबर 35 है। दोस्तों, आपके लिए मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ, और पार्ट वाइज में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस टाइप के दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है, ना पेन उठाने की जरूरत है। इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। कैसे? तो पहले दोस्तों क्वेश्चन पढ़िएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या में 9 जोड़ा गया तो अंक उलट जाते हैं, संख्या है वो संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले करेंगे क्या, मैथ के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों आप समझ लेंगे तो सॉल्व भी कर लेंगे। पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं, समझिएगा, देखिएगा, तुरंत आपको आंसर भी दिखने लगेगा। देखिए कह रहा है, एक निश्चित दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। देखिए अंकों का योग 9 है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन में क्या है, 36, ये किन संख्याओं से मिलकर बना है, 3 और 6 थे, इसके अंकों का योग क्या होगा, 3 प्लस 6 क्या होगा दोस्तों, 9। ऐसे अंकों का योग इसे कहते हैं, जोड़ दे दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर कह रहा है दोस्तों, संख्या में 9 जोड़ा गया तो अंक उलट जाते हैं, संख्या है। तो दोस्तों इसको एक्स नहीं मानना, इसको हम सॉल्व करेंगे गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और कुछ ही सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पे दोस्तों पहला ऑप्शन में क्या है, 36, 36 के अंकों का योग क्या होगा, 3 प्लस 6 यानी 9 होगा, ठीक है। अब बताइए दोस्तों, अब यहां पे जो कह रहे हैं ना, तो अंक उलट जाते हैं, 9 जोड़ा जाता है तो अंक उलट जाते हैं, तो 36 उलट के क्या हो जाएगा, देखिएगा 3 पहले है 6 बाद में है, तो यहां पे क्या होगा, 6 पहले आ जाएगा 3 बाद में हो जाएगा, यानी 63 होना चाहिए। इसमें क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, तो क्या दोस्तों इसमें 9 जोड़ने पे 36 में 9 जोड़ देंगे तो क्या ये दोस्तों 63 होगा, नहीं, यहां पे 9 जोड़ेंगे 36 में तो ये 45 होगा, 63 नहीं होगा, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या करना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 27, किन संख्याओं से, 2 और 7, 7 2 क्या होगा, 9 होगा, अंकों का योग तो 9 है। अब बताइए इसमें 9 जोड़ने पे इसका अंक पलट जाएगा, यानी ये क्या हो जाना चाहिए, 72, तो 27 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो 72 होगा, नहीं ये 36 होगा, 72 नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी किन संख्याओं से मिलकर बना है, 45 है, 4 और 5 का योग क्या होगा, जोड़ने पे क्या होगा, 9 होगा। अब बताइए 45 में दोस्तों क्या करना है, आपको 9 जोड़ना है, 45 में 9 जोड़ेंगे तो इसका अंक पलट जाना चाहिए, क्या होगा, 5 और 4 हो जाना चाहिए, क्या दोस्तों 45 में 9 जोड़ने पे 54 होगा, हाँ होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, बस इतना ही करना है और आंसर दे देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपको बस दिमाग में रखना है, देखिए यहाँ पे क्या सेकंडों में कैसे 6 3 9 होगा, देखिएगा यहाँ पे, अब इसमें क्या 9 जोड़ेंगे 63 होगा, नहीं होगा, ये 27 है, 2 7 9 है, या क्या दोस्तों इसमें 9 जोड़ेंगे तो 72 होगा, नहीं होगा, 45 में 9 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा, यानी कि एक निश्चित संख्या ऐसी है दोस्तों 45 जिसके दोनों अंकों का योग क्या है, 9 है, और 9 जोड़ा जा रहा है तो अंक उलट भी जा रहे हैं, यानी 45 4 5 से मिलकर बना है, और 54 इसमें क्या हो गया दोस्तों, 5 4, यानी अंक क्या हुए आपस में पलट गए 9 जोड़ने पे, इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप चाहे तो ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, 8 1 9 होगा, लेकिन 9 जोड़ेंगे तो क्या दोस्तों ये 81 होगा, नहीं होगा, ये 27 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही नहीं होगा। तो क्या इसके लिए पेन उठाने की जरूरत है, नहीं, इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक चीज और बता दूं दोस्तों, लास्ट में आपसे एक मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन पूछूंगा, टेस्ट के तौर पर है, होमवर्क के तौर पर रहेगा, और जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके
बताने हैं, तो क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा। चलिएगा, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके लिए भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ये इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों ओरल सॉल्व किया जाता है बिना पेन उठाए। कैसे, तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है दोस्तों, राधा और सुधा के वेतन का अनुपात 6:7 है, यदि दोनों में प्रत्येक का वेतन ₹3,000 बढ़ जाता है तो अनुपात 8:9 हो जाता है, सुधा का वेतन कितना है, ये पूछ रहा है। तो देखिए पहले थोड़ा सा क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे कह रहा है राधा और सुधा के वेतन का अनुपात क्या है, 6:7 है, और कह रहा है यदि दोनों के प्रत्येक वेतन में ₹3,000 बढ़ जाता है तो अनुपात क्या हो जाता है, 8:9 यानी कि 8:9 हो जाता है। फिर पूछ रहा है सुधा का वेतन कितना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना, तो आपको एक्स नहीं मानना है, कुछ नहीं करना है। देखिएगा बहुत सिंपल है, देखिए पहले वेतन क्या है दोस्तों, यहाँ पे 6:7, फिर ₹3,000 बढ़ा तो अनुपात क्या हो गया, 8:9, यानी रेशियो में दोस्तों क्या हुआ, देखिए कितने का बढ़ा, 6 से 8 हुआ, 2 बढ़ा, इधर क्या हुआ, 7 से 9 हुआ, रेशियो में कितना बढ़ा दोस्तों, 2। देखिएगा 6 से 8 हुआ है, 7 से 9 हुआ है, समझ रहे ना, राधा का 6:1 में था तो 8:1 में हो गया, सुधा का 7:1 में था तो ये 9:1 में हो गया, यानी रेशियो में दोस्तों कितना बढ़ा, सेम रेशियो बढ़ा है, 2 रेशियो। जब सेम बढ़े तो क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 रेशियो बराबर दोस्तों कितना होगा, 3,000 रुपए। देखिएगा 2 रेशियो बराबर दोस्तों 3,000, तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा बताइए, 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 2 रेशियो बराबर 3,000, तो 3,000 को 2 से भाग कर देंगे यानी कि 1500। 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1500, यानी कि 1500 हो जाएगा। अब देखिए पूछ कह रहा है दोस्तों सुधा का वेतन कितना है। अब यहां पे देखिएगा बढ़े हुए वेतन को नहीं बताना है, पूछ रहा है कितना है, यानी कि ये पूछता बढ़ा हुआ वेतन कितना है तब तो दूसरा आंसर होता, लेकिन यहां पूछ रहा है सुधा का वेतन कितना है। बताइए राधा और सुधा का अनुपात क्या दिया था दोस्तों, 6:7, तो सुधा का अनुपात क्या है दोस्तों, और 7 के रेशियो में, समझिएगा राधा का 6:1 में है और सुधा का क्या है, 7:1 में, तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों यहां पे आपको पता चला 1500 है, तो 7 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा, 1500 × 7 यानी 1500 क्या होता है दोस्तों, 105, और 2 जीरो लगा देंगे तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, 7 रेशियो बराबर क्या आंसर होगा, कितना रुपए हो जाएगा, 10,500 रुपए हो जाएगा। अब देखिए 10,500 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर किया करिए, शेयर भी कर दिया करिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो शेयर जरूर किया करिए, और जो नए दोस्त हैं वो क्या करेंगे दोस्तों, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा वहां पे दोस्तों क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है इसे प्रेस करके जरूर ऑन कर लीजिएगा, ये ऑन रहेगा तो दोस्तों आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं डेली दोस्तों मैं 8 PM पे आपको वीडियो देता हूं, और जितने भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप डेली पढ़ा करिए, मन लगा के पढ़ा करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करा करिए, और हमसे दोस्तों जरूर जुड़िए। चलिए तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए भी दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन है आप सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में। देखिए क्वेश्चन पहले समझिएगा अच्छे से, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि 5 पुरुष उसे 14 दिन में कर सकते हैं, 5 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों ये सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है अनेक एग्जाम में पूछा गया, SSC में कई बार पूछा जा चुका है, रेलवे में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, और इसके लिए दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा मैं आपको समझा रहा हूं, पहले आप अच्छे से समझिएगा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे कहा है दोस्तों 3 पुरुष हैं और 5 महिलाएं किसी काम को क्या कर रहे हैं दोस्तों 14 दिन में कर सकते हैं। नीचे वाले लाइन में पढ़िएगा दोस्तों, यहां पे कह रहे हैं जबकि 5 पुरुष उसे 14 दिन में कर रहे हैं, काम देखिएगा दोस्तों दोनों जगह हो रहा है, यहां पे 3 पुरुष हैं 5 महिलाएं 14 दिन में ही हो रहा है काम, यहां पे भी 14 दिन में काम हो रहा है, और हो क्या रहा है दोस्तों यहां पे सिर्फ 5 पुरुष ही है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहां पे सिर्फ 5 पुरुष हैं 14 दिन में काम हो रहा है, और यहां पे ऊपर वाले में 3 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हो गई हैं, यानी सीधा सीधा दोस्तों हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहां पे 2 पुरुष ऊपर कम है उसकी जगह पे क्या हो गया है दोस्तों 5 महिलाएं आ गई है, समझिएगा नीचे 5 पुरुष है काम कितने दिन में हो रहा है 14 दिन में, ऊपर भी 3 ऊपर क्या है 3 पुरुष है और 5 महिलाएं है, काम कितने दिन में हो रहा है 14 दिन में ही हो रहा है। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं
नहीं सोचना है। यहाँ पे सीधा सीधा कह सकते हैं, पांच पुरुष जब 14 दिन में कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों 3 पुरुष और 5 महिलाएं, यानी कितने पुरुष की जगह पे 5 महिलाएं आई हैं दोस्तों, 2 पुरुष की जगह पे 5 महिलाएं आई है, क्योंकि 3 पुरुष ऊपर है, 2 पुरुष और रहते तो 5 पुरुष हो जाते हैं, और 5 पुरुष तो यहाँ 14 दिन में काम कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों 2 मेल बराबर 5 क्या फीमेल, यहां पे सीधा सीधा हम कह सकते हैं बिना पेन उठाए, ठीक है। चलिए फिर अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखिए अब नीचे वाले आप लाइन को लेंगे, 5 M1D1 = M2D2 पे रख लेंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 5 पुरुष देखिए, 5 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर ले रहे हैं, 14 दिन में। फिर यहां पे कह रहा है दोस्तों 5 पुरुष और 5 महिलाएं, 5 महिलाओं की जगह पे दोस्तों हम कितने पुरुष रख सकते हैं, यहां पे आपको ऊपर यहां पे लिखा हो ना 2 मेल बराबर 5 फीमेल, या कह लीजिए 5 फीमेल बराबर 2 मेल, यानी कि यहां जो 5 ये दोस्तों महिलाएं हैं इसकी जगह पे हम 2 पुरुष रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 2 मेल रख सकते हैं। तो 2 मेल ये और 5 मेल ये, यानी कि 5 पुरुष ये 2 पुरुष ये, कितने पुरुष हो जाएंगे इसे देखिएगा, पुरुष पुरुष में बदल लीजिए या महिला महिला में, यूनिट सेम रखना है, ठीक है, एक चीज रखना है तभी आंसर आएगा। ये नहीं कि आप इधर पुरुष ले लिए उधर महिला ले लिए और आंसर कर लेंगे, नहीं, आपको पुरुष ही रखना है या तो महिला ही रखना है, ठीक है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, पुरुष वाला सिंपल है तो पुरुष वाला रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 महिलाओं की जगह 2 पुरुष रख लेंगे, तो 5 पुरुष ये 2 पुरुष, तो कितने पुरुष हो जाएंगे, 7 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो D2 दिन में करेंगे मान लेंगे, ठीक है। तो D2 की वैल्यू क्या होगी, इधर 7 दोस्तों गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, सीधा सीधा कटा सकते हैं कि 7 × 14 और 5 × 2 का मतलब 5 × 10 हो जाएगा दोस्तों। D2 बराबर क्या होगा दोस्तों, 10 दिन। D2 बराबर क्या होगा, 10 दिन। 5 पुरुष और 5 महिला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 10 दिन। देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दिया हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और इसके लिए भी दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सॉल्व किया जा सकता है, बस आपको समझना है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, एक लड़के को किसी संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह उस संख्या को 52 से गुणा कर देता है, उसका उत्तर सही उत्तर से 324 ज्यादा आता है, तो गुणा करने वाली संख्या थी, गुणा करने वाली वो संख्या क्या थी। अब देखिए मैं यहां पे थोड़ा सा दोस्तों समझाऊंगा, समझिएगा। एक लड़का है दोस्तों, उसे किसी संख्या में कोई संख्या होगी जिसमें 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, वो कर क्या दिया दोस्तों, 52 से गुणा कर दिया, यानी ज्यादा से गुणा कर दिया ना, 25 से गुणा करने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने क्या किया लड़के ने, 52 से गुणा कर दिया, और उत्तर क्या आ रहा है दोस्तों, सही उत्तर जो था उससे 324 ज्यादा आने लगा, ठीक है, क्या हुआ, ज्यादा आएगा ही, जब ज्यादा से गुणा कर दिया तो ज्यादा आएगा, नॉर्मल सी बात है। फिर कह रहा है तो गुणा करने वाली संख्या थी, देखिए इसको दोस्तों दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक एक्स मान के, एक बिना एक्स मान के। देखिए एक्स मान के सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना ज्यादा से गुणा किया है, मान लेंगे दोस्तों एक्स से वो संख्या गुणा करने वाली संख्या है, तो मान लेंगे वो गुणा करने वाली संख्या एक्स थी, इन्होंने लड़का ने क्या किया दोस्तों, 52 से गुणा कर लिया, यानी 52x, कितना ज्यादा किया है, 25x, 25 से पहले गुणा करने के लिए कहा गया था, 25x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना ज्यादा आया है, 324, ठीक है। अब देखिए 52x में से 25x घटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 27x, 27x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 324, तो x बराबर दोस्तों क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 324 बटा ये 27x का मतलब होता है 27 × x, यानी कि गुणा में तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा 27। अब 27 से दोस्तों ये 324 कट जाएगा, 27 से कम 27 और 27 3 30 2 5 यहां पे हो जाएगा 3 2 5 यानी 54 हो जाएगा, फिर 27 × 54 तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 12। तो गुणा करने वाली संख्या कौन थी दोस्तों, वो 12 थी। 12 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो रहा x मान के सॉल्व कर, एक बिना x माने क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिएगा ये 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, इन्होंने किया क्या दोस्तों, 52 से गुणा कर लिया, यानी कितने से ज्यादा से गुणा किया है दोस्तों, आप अंतर कर लेंगे 27, सेम पैटर्न है, कुछ नहीं करना है, 27 से तो 27 और ज्यादा कितना आया, 324, तो 27 रेशियो बराबर दोस्तों 324, तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 324/27 वही चीज हो गया, ठीक है, यानी कि कितने बार में जाएगा, 12 बार में, तो एक रेशियो बराबर 12, तो
गुणा करने वाली वो संख्या कौन थी? तो 12 थी। 12 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसे भी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप दोनों तरीकों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आज का प्रश्न है, ये होमवर्क का प्रश्न है, टेस्ट का प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर क्या करना है? सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। और जिन दोस्तों को नहीं पता है किस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है वो क्या करेंगे दोस्तों, ये मैथ का पार्ट नंबर 34 देख लेंगे। 34 नंबर का ये चौथा प्रश्न है और पार्ट नंबर 34 में फुल डिटेल में मैं समझाया हूं दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है सेकंडों में। पार्ट नंबर 34 आपको मिलेगा कहां से दोस्तों? तो इसका लिंक दोस्तों यहां पे आई बटन पे दे दिया हूं, यहां पे आई बटन पे क्लिक करके दोस्तों आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 34 देख सकते हैं। एक चीज और बता दूं जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ईबुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया जो प्रश्न आपके बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ईबुक को आप लेंगे कहां से? तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इस ईबुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोडिंग या पेमेंट से दोस्तों किसी प्रकार की आपको समस्या भी होती है तो पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एक चीज और बता दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं दोस्तों सारे प्रश्न, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम पे। और जो नए दोस्त होंगे वो क्या करेंगे, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा यहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाएंगे दोस्तों, और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा, तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।